उससे 15 दिन पहले शिशुपाल ने नगर को घेर लिया। भैया रुक्मिणी रो रही, पिता रो रहे, माता रो रही। एक ब्राह्मण देव ने आकर दरवाजा खटखटाए, दियो लली भिक्षा ला। रुक्मिणी बोली भिक्षा ना मिलेगी, काय शादी है। अरे शादी है तो और खुशी की बात है, मारा शादी तो है पर हमारी बर्बादी। क्यों भैया? साले के साथ विवाह कर रहा, मैं तो श्याम के चरणों की दासी हूं। तो देखा है कहीं? बोले हाँ, स्वप्न में कुछ कह रहे थे। बोले हाँ, क्या? बोले मेरे लिए पत्र भेजना जब बारात आ जा। भेजा? बोले कोई नहीं हमारा। पंडित जी तुम ही हमारा पत्र लेते जाओ, चले जाओ। भैया पंडित जी कहने लगे, लली बहुत दूर है द्वारिका। अच्छा कोई बात ना, जाओ लिख दे। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, अपने सारे दिल की वेदना को उस पत्र में लिख दिया, गोविंद को प्रणाम कर लिया। और वो पत्र जो लिखा है ना रुक्मिणी ने, क्या भाव दिया है उस पत्र में रुक्मिणी ने, हे गोविंद आपके बिना मैं मर जाऊंगी श्याम।